हेलो एवरीवन, इस ट्यूटोरियल में मैं हम लोगों के एग्जिस्टिंग टेबल के फॉर्मेट के अंदर चेंजिंग के हवाले से डिस्कशन करूंगा। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों के सामने हमारा न्यूज़लेटर खोल के रख दिया है और मैं अपने जूम लेवल को फिर से वंस अगेन इंक्रीज करूंगा सो दैट हमारा व्यू क्लियर हो सके। अब हम बॉटम पर आ जाते हैं, हमारे पास हमारा टेबल है। अब हमने टेबल को सिलेक्ट करके उसको हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं डिजाइन पर चलूंगा और डिजाइन पर जाने के बाद मैं सपोज हमारे जो टेबल है उसका कलर जो है वो कुछ इस तरह का कर देता हूँ। नहीं, बल्कि हम कोई और कलर सेलेक्ट करते हैं, लाइक दिस वन चलेंगे वाला बेहतर रहेगा। सो अब हम लोगों ने इस तरीके से आपने टेबल का फॉर्मेट चेंज कर लिया। तो टेबल का फॉर्मेट चेंज करने के बाद अब हम इसके अंदर कोई डेटा लिखते हैं। सो फॉर दैट वेरी पर्पस हम डबल क्लिक करेंगे तो उसके अंदर हमारे पास ये प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। सपोज मैं परपेचुअल के बजाय यहां से कैलिब्री सिलेक्ट करता हूँ, कैलिब्री लाइट मैंने सिलेक्ट की, और उसके अलावा मैं दोबारा सिलेक्ट करूंगा तो मेरे सामने प्रॉपर्टी आ जाएगी, लेकिन इस वक्त कुछ टेक्निकल एरर की वजह से नहीं है। आप कंट्रोल और राइट फ्लावर ब्रैकेट को प्रेस करेंगे तो हमारा साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और उसको लेफ्ट साइड से प्रेस करेंगे तो साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो यहां पर लिख देते हैं PHP और यहां लिख देते हैं जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। और उसके बाद हम इस कॉलम में आ जाते हैं, यहां पे इस कॉलम में सेलेक्ट करते हैं हम लोग। तो अब हम लोग यहां पर लिख देते हैं CSS और यहां लिख देते हैं HTML। ये तो हो गया हमारे टेबल के अंदर हम लोग कैसे टेक्स्ट एंटर करते हैं। अब इस टेक्स्ट को थोड़ा सा बोल्ड करना चाहें तो हम सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल V प्रेस करेंगे तो अब आप देखेंगे ये बोल्ड हो गया। सिमिलरली विद अदर अदर टेक्स्ट, अब हमने इसको दोबारा से सेलेक्ट किया तो ये बोल्ड हो गया। एंड लाइकवाइज जावास्क्रिप्ट को भी हम क्लोज कर देते हैं। ये तो हो गया हमारे केस के अंदर हमने टेक्स्ट कैसे लिखना है। अभी आप लोगों ने देखा कि मुझसे कुछ सेकंड्स पहले एक मिस्टेक हो गई थी जिसकी वजह से हमारा टेबल का साइज जो है वो बड़ा हो गया था। तो ये मिस्टेक नहीं थी, ये बेसिकली आप लोगों को एक चीज के हवाले से पहले से ही प्री कैप देने का मकसद था कि अगर हम चाहें तो हम किसी भी रो का साइज बड़ा कर सकते हैं। उसके लिए हम इसके ऊपर जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा नीचे ड्रैग करेंगे और आपने अब देखा कि अब इसका जो साइज जो है बड़ा हो गया। सिमिलरली मैं इस रो का अगर साइज बड़ा करना चाहूँ तो थोड़ा सा इसको ऊपर खींचूंगा तो हमारा उसका साइज जो है वो बड़ा हो गया। इसको थोड़ा नीचे कर लिया, साइज बड़ा हो गया। तो ये थी टेबल की छोटी मोटी फॉर्मेटिंग। सो बाकी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू वेरी मच।